बाबा बहुत खुश है आज, क्योंकि रात को बाबा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे रात को तो कोई आ ही नहीं रहा। कैंडल्स की तरह कैंडल्स गायब हो गए हैं। खाना खा लिया इन लोगों ने, जिसने नहीं खाया वो पैक करवा के चले चले चले। दीदी आपके टैंग में शक्कर नहीं है? नहीं नींद आ रही है इनके Hello and assalamualaikum guys, welcome to another vlog. So guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस लिए है, ठीक है? तो आज है बाबा की बर्थडे एंड लास्ट ब्लॉग भी आप लोग देख ही चुके होंगे कि हम लोग बाबा के लिए गिफ्ट रहे हैं, गिफ्ट है। बहुत ज्यादा ही बैकग्राउंड म्यूजिक मिल गया, बट खैर आज का ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज पापा की बर्थडे है, ठीक है? तो पीछे डेकोर एंड ऑल भी थोड़ा बहुत नजर आ ही रहा होगा एंड अभी बस मैं पापा की बर्थडे के लिए तैयार हो गई हूँ एंड ये लोग मेरा व्लॉग कभी भी सही नहीं बनने देते। जब भी मैं यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ये लोग पीछे से बोलते ही बोलते हैं। तो चलो तैयार तो मैं हो गई हूँ एंड अब मैं डेकोर दिखाती हूँ कि ये मामा ने, अब मैं डेकोर दिखाती हूँ कि मामा ने कैसा डेकोर किया। लेट्स गो। Check this out, कितना pretty decor किया मम्मा ने। Oh my God, wow! अभी decor तो हो गया, बाबा भी तक ready नहीं हुए, अंदर कोई भी ready नहीं हुआ, सिर्फ दीदी ready हो गई है, बिलाल अभी बाल set कर रहे हैं एंड ये सारे जैसे ही तैयार होते हैं तो I'll show you guys इनका full look एंड अब बाबा को दोबारा से बर्थडे विश करते हैं क्योंकि रात को तो बाबा नींद में थे जब हम लोगों ने बर्थडे विश किया था। बट सर लेट्स सी, अभी तो केक भी देखना, मैं तो केक भी नहीं देखा कि केक कैसा लेके आए ये लोग। जब तक ये लोग तैयार होते हैं तब तक हम लोग टैंग पी लेते हैं। आपके टैंग में शक्कर नहीं है? नहीं। तो गैस यहाँ पे एक एक बंदी तैयार होके बैठी हुई है, ठीक है? तो मैंने सोचा किचन में उसका क्या है फुल लुक दिखाया है, अभी इसका फुल लुक दिखाते हैं। सो दीदी हमें अपना फुल लुक तो दिखा दे। ये क्या था? ओह वाओ, looking pretty. बहुत अच्छा लग रहा है। बस ठीक है, इतना ही ठीक है। मेरा भी दिखा दो। जबरदस्त। सब मिलके माशाल्लाह कहे रिमचा ने, क्योंकि मेरी नकल की है। आप चेक कर सकते हैं नीचे। सेम सेम। बंदा नकल तो थोड़ी सोच के कर जा। लेकिन शर्ट्स डिफरेंट है, ठीक है ना? एंड मैंने नीचे जॉगर्स पहने हैं, तुमने नहीं पहने। सो हां, ये रहा मेरा आज का फुल लुक। तो गाइस ये रहा आज का वीरे का फुल लुक। ओ माय गॉड, समवन इज लुकिंग स्टनिंग। लाला सर में फोटोज क्लिक करवा रहा है एंड यहाँ पे एक बच्ची उसकी फोटोज क्लिक कर रही है। हाँ जी बच्ची है। हमारे जो बर्थडे बॉय हैं, ठीक है, मेरे लिए तो मेरे फादर यू नो डैडी डॉन, तो वो यहाँ पे कॉल पे यू नो बर्थडे विशेस ले रहे हैं, यहाँ पे आराम से कूल डूड बन के बातें कर रहे हैं। वो ये लोग किचन में क्या कर रहे हैं? वाओ,
तो गाइस फाइनली मामा भी तैयार होके आ गई एंड पीछे पापा कोच पे लगे हुए यार वो बड़े ऐसे एंजॉय कर रहे हैं एंड ये रहा इन दोनों का फुल वाओ लुकिंग अमेजिंग यार बहुत अच्छे लग रहे हो एंड बाबा बाबा बस कर दो आ जाओ केक यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा बाबा फोटोग्राफर यहाँ पे फोटोग्राफर खड़ा हो गया फोटोज क्लिक कर रहे हैं एंड अब हम आपकी खींच लें फोटोज तो बाबा अब आप बताएं आपको डेकोर केक एंड एवरीथिंग कैसा लगा बहुत अच्छा लगा बेटा अल्लाह आपको हजारों खुशियां आमीन आमीन एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन डैडी डॉन Evil eyes off, please. माशाल्लाह लाजमी बोल दे बहुत प्यारे लग रहे यार नजर ना लगे थ्री टू वन हैप्पी बर्थडे ओके ओके बाबा बहुत खुश है क्योंकि हैप्पी बर्थडे रात को तो कोई आ ही नहीं रहा था हमें और जल्दी हम लोग भी जल्दी सो जा रहे हैं आगे हैप्पी बर्थडे बाबा मेरे पीछे की हैप्पी बर्थडे मेरे ऊपर कर्म है पता नहीं नजर आ रहा फैमिली ऐसी दी जो मुझसे भी प्यार करती है मेरी फैमिली से भी प्यार करती है अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे आमीन आमीन चलो नजर ना लग जाए आई विश यू अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी बर्थडे पे बस बाबा नजर लग जाएगी बाबा सबको बुलाओ ओके रे सारे उठ जाओ आ जाओ हर साल ऐसे बड़े एंजॉय चलो यार ऐसे ही एंजॉय करते रहना चाहिए हम तो ऐसे एंजॉय करते हैं ना बाबा चलो केक कटिंग कर ले आज आज आगे प्लीज हैप्पी बर्थडे यहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स हैं अब पापा केक किसने काटना था केक काटा नहीं आपने हैप्पी बर्थडे वाओ हैप्पी बर्थडे डैडी डॉन बाबा बहुत खुश है माशाल्लाह माशाल्लाह अब केक भी खिला दे बाबा मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे केक खिलाया जाए चम्मच लेके आऊं अभी हम केक खाते हैं Happy birthday, चलो यार पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो परफेक्ट एंड यहाँ पे चेक करो बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा है Happy birthday, बाबा Happy birthday, डैडी डॉन Happy birthday to you, G. Shake it, shake it, happy birthday to you, G. बस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए एंड दीदी की मैं वीडियो खराब कर रही हूँ बेचारी वीडियो बना रही है एंड मैं पीछे अपना कैमरा लेके आ गई हूँ चलो बाकी सब तो चले गए अब हम लोग भी चलते हैं बाहर खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है सब बाहर चले गए ये लड़की नहीं आएगी बस अब एंड बाहर तो गाने लगे हुए हैं पापा गन लगा के बैठे हुए चक्कर गाइस अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ जाके खाना खाएंगे तो चलो अब लोकेशन पे पहुँच के मिलते हैं पता है पार्किंग हमें कभी नहीं मिलती A few moments later. Finally, हमें पार्किंग मिल गई है एंड अभी बस हम लोग चलते हैं एंड खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है
मजे लग रही है, सारी गाड़ी भीग गई है। बारिश थी यहाँ देखो, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सो गाइस ये रही हमारी आज की लोकेशन, आज हम लोग यहाँ पे बाबा की बर्थडे का खाना खाएंगे। चलो लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, हमेशा की तरह हमें कहीं ना कहीं वेट करना ही पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस ग्लास हाउस में, इस पिंजरे में यार। सो गाइस यहाँ पे मुझे दो आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे, एक ये है, एक मैं भी हूँ, ठीक है। एंड ये पेंटिंग देख के मुझे हो रहा है मुस्कान, ये कितनी ईजी है। वाकई बहुत ईजी है। गाइस आई डोंट नो व्हाई किस किस को ये पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, दीदी को बहुत पसंद है ना। एंड अभी मैं डिसाइड करके बैठ गई हूँ कि क्या ऑर्डर करना है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं ले रहा। तो यहाँ पे बिलाल मुझे बटर लगा के दे रहा है। थैंक यू बिलाल बेबी दे। थैंक यू सो मच बेबी। 2 hours later. 200 साल गुजर गए, खाना नहीं आ रहा, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा नाम भी आ गया, फाइनली फूड इज हियर, यम। सो गाइस यहाँ पे दीदी का यम्मी से बर्गर आ गए, यहाँ पे बिलाल ने मंगवाया है, इसके अलावा मुस्कान का बहुत यम्मी सा बर्गर है। बाबा खाना खा लो पहले। सो गाइस ये रहा मेरा खाना आज के लिए, यम्मी खाना। सो फाइनली इट्स टाइम टू ईट समथिंग। बाबा बिस्मिल्लाह कर चुके हैं, मुस्कान बेचारी अब नहीं खा रही। एंड मेरा तो फेवरेट है, मैं जल्दी से खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। चकरो सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अभी तक खाना नहीं फिनिश किया, बाकी सब फिनिश करके बैठ गया, सब इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, मैं खा रही हूँ अभी। हाँ इन लोगों ने फिनिश कर लिया। हाँ बाबा को अच्छा लगा खाना। गाइस डन विद फूड एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि खाना खा लिया इन लोगों ने, जिसने नहीं खाया वो पैक करवा के चले। चले चले दीदी, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस वी आर बैक होम एंड सबसे पहले मैं ही अंदर आई हूँ, ठीक है, क्योंकि यू नो कीज मेरे पास होती है तो इसलिए हम सबसे पहले आते, बाकी सब तो आ ही रहे हैं। बाबा कैसी गुजरी आपकी बर्थडे है, अच्छा लगा? थैंक यू। एंड बाकी सारे भी आ ही गए हैं, चलो आ जाओ। तो गाइस खाना शाना तो हम लोगों ने खा लिया था, अब है बारी गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग की, ठीक है। यहाँ पे बाबा आराम से बैठ गए, मैं बाबा को कोई है ही नहीं। बाबा को हम लोग आवाज़ें दे रहे हैं, आज गिफ्ट्स अनबॉक्स करते, बट बाबा पप्पू से अभी बात कर रहे थे तो इस वजह से बाबा भी आए नहीं। लेकिन यहाँ पे बिलाल, बिलाल ज़रूर बैठ गया यहाँ पे, यहाँ पे बाबा ने बैठना है। बाबा आ ही नहीं रहे यार, कल वाले व्लॉग में बिलाल नजर ही नहीं आया था, ये भी साथ था। कल वाला व्लॉग जो है सारा मेरू और मेरा ही था। हाँ मेरी लावाई किए हुए थे, मेरू और मेरा ही था, ऐसे लग रहा है व्लॉग, पूरे व्लॉग में हम ही नजर आ रहे थे। और तो यार बहुत ही कमाल लग रहा है। तो इन दोनों को मैं ढूंढ रही थी पूरे घर में कि ये दोनों किधर है, ये यहाँ पे शूट कर रही है, चेक करो जरा। वाओ हर जगह शूट होता है हमारे घर में। चले अब कर ले अनबॉक्स, आज बाबा को नींद आ रही, वो कह रहे जल्दी करो यार ताकि मैं सोऊं। बिलाल आ जाओ। गाइस अभी हम लोग करने लगे हैं बाबा के गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग, ठीक है। ये सब असल में गिफ्ट्स जो है मिक्स ही है, ठीक है बाबा, बस आपने देख के पसंद करते जाना है कौन सा आपको अच्छा लगे। सबसे पहले खोल के देखना है सुबह क्यों खोल, हम अभी रहे हैं तो सुबह खोलूंगा। हम लोग अभी देखना चाह रहे हैं ना कि क्या है। कौन सा गिफ्ट हमने आगे करना है किसी को, ये देखें ये लें।
अच्छा लगा? वो फूफ कर दिया बाबा ने बस। बाबा ने कहा सबसे पहले मैं लगा के देखूं जरा। अच्छी है? चलो फिलहाल हजारों खुशियां बच्चियों को दे जो मेरी इतनी खुशियां मना रही हैं इंशाल्लाह ताला इनके जब वक्त आएंगे हम भी खुशी मनाएंगे। ये यंग बॉय बनाना चाहते मैं तो कहे डैडी रोल तो बाबा के लिए हम लोग ज्यादा ऐसी चीजें ही लेके आए हैं बाकी बाबा के लिए हम साथ में मैचिंग ये भी लेके आए हैं जीन्स कमर कितनी है जी मामा के साथ ही ली है तो मामा को पता है बाबा को असल में स्लिम फिट नहीं पसंद तो इसलिए हम लोगों ने स्लिम फिट नहीं ली स्ट्रेट फिट ही ली है नहीं इसे स्लिम फिट ये स्ट्रेट फिट नहीं था इसे स्लिम फिट कहते चलो ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं पापा बहुत बहुत मुझे अच्छा स्लिम फिट ही है अब एक ये है ये भी आपकी रहती है नींद आ रही है इनके इतने नहीं ले सके मुझे नींद आने लगी है हकीकत में आ रही है कि नमाज के वक्त उठना भी होता है ठीक है और बाकी हमने बाबा को ऐसी ही चीजें दी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी एक शफा वाह जी वाह ये सर्दियों में बहुत काम आएगी क्योंकि मुझे नीचे कुछ पहनना नहीं पड़ेगा यही पहन कर सो जाऊंगा बस ये सोने के लिए बाबा ने रखनी है ठीक है उसके अलावा ये कोट आपकी पैंट है ये तो मुझे यंग बॉय बनाना चाहती हैं खैर ये थे बस आज के लिए इतने गिफ्ट्स हैं मामा ये कल यही मिला हां कल मतलब एक दिन में जो मिल सकता था हम लोगों ने वो ही लिया बहुत बहुत इनका शुक्रिया हमें बोले शुक्रिया इनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फिल्म भी बना रही हैं ये गिफ्ट भी दे रही हैं ये सबूत के तौर पर ये फिल्म बना रही हैं ये बड़ी होशियार है बच्ची मेरी कल ये ना हो हमारा बाबा मुकर जाए भाई तुमने मुझे क्या दिया बाबा ये देखो हमने जब सो रहे थे उस वक्त ही पार किया क्या समझे अब आपको जब आपको खाना भी खिलाया खुश रखे जी अबाल रखे अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बस बाबा की गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गई है फ्रेंड्स आज की गिफ्ट अनबॉक्सिंग इतनी थी वैसे हम लोग ना यूजुअली होता ही है कि हम लोग अलग से गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं बट आज हम लोग कल जितने गिफ्ट्स ले पाए थे उतना ही दिखाना था ना तो ऑब्वियसली बात है फिर इतनी लंबी वीडियो बन नहीं सकती थी इसलिए मैंने कहा अभी इसी के साथ ही अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड यहीं पर अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं बाबा को हमने बोला कि जाके ज़रा हमें ट्राई करके दिखा दें कि उनको परफेक्ट साइज़ आया है कि नहीं सो लेट्स सी सो गाइस ये रहा फुल लुक जो हम लोगों ने बाबा को गिफ्ट दिया अभी बाबा हमें ट्राई करके दिखा रहे सही है आपको परफेक्ट है गाइस लेट मी शो यू गाइस आफ्टर पार्टी सीन ठीक है
यहाँ पे लोग अपना फोन पकड़ के बैठे हुए, यहाँ पे भी दीदी बैठ गए, वहाँ पे मुस्कान, यही चल रहा है अब यहाँ पे। अब सारे जो है ना फोटोज देखेंगे, ये फोटोज देख रही बेचारी जो, वैसे अक्टूबर है आने लगा है हेलोवीन, हम लोग ना हेलोवीन के लिए भी तैयार होने लगे हैं, अभी से ही तैयार होने लगे हैं। ठीक है, कपड़े पहने हुए, बस इसी मेकअप को फ्रेश कर लेंगे। यार इसकी आवाज आ रही है पीछे से, ये जो इतने मुझे रोस्ट करने बैठी हुई है, मैं तो कह रही है कैसे मुंह धो लेंगे हेलोवीन के लिए तैयार। वाह, ये अपना भी बता रही है, असल में ये जो है ना ये अपना भी बता रही है। मैरू मुंह धो गया जल्दी से प्लीज, पूरे व्लॉग में मुंह धुले हुए आते हैं यार, हद है। मैं ना एक दिन व्लॉग बनाती हूँ, दूसरे दिन मेरा गला बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों गला मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बार बार हो रहा है। सो चलो आज का व्लॉग तो बन ही गया। तो गाइस मुस्कान को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी मैं, आज मुस्कान ने बहुत प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक की है मेरी, सो मुस्कान थैंक यू सो मच, आज इसने सबकी फोटोज क्लिक की है, सबसे ज़्यादा इसकी, इसने तो मतलब बाथरूम में भी नहीं जान छोड़ी यार। हाँ जी ऐसा ही है, चेक करो ये दोनों चेंज करके यहाँ पे इजी होके बैठ गई है। अब मैं भी चेंज करती हूँ एंड बस गाइस, मैंने कुछ किया भी नहीं है बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि मेरा गला जो है वो मेरा साथ नहीं आजकल दे रहा, मेरा गला बार बार ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। आज तो मैंने कुछ ठंडा भी नहीं पिया, हाँ स्प्राइट ज़रूर पिया बट मेरा यहाँ से गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो बस अभी जाके चेंज करते हैं एंड सुकून मारते हैं। तो गाइस इसी के साथ आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग हियर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।